अभी हम लोग एक ऐसी जगह पे आ गए हैं, यहाँ पे एक किला है, किले के अंदर जा रहे हैं। यहाँ से रास्ता है पीछे कुआं, काफी अच्छा लग रहा है। ऐसे किले की एंट्रेंस यहाँ से है, आप देख सकते हैं। अटेर का किला है भिंड में, एमपी में। तो अभी हम लोग आए हैं। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये अटेर का किला है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आज मेरे साथ में ये विशाल भी साथ में आया हुआ है। तो दोनों लोग आज ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ, किले के अंदर चलते हैं। तो आप तो गाइस, हमने किले के मेन गेट्स के अंदर एंट्री कर ली है। अब आपको मैं बता दूँ ये किला कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये किला एमपी में, एमपी के भिंड ज़िले में स्थित है। अटेर नाम का एक गांव है, वहाँ पे स्थित है। चंबल नदी के किनारे पर ये गांव बसा हुआ है, वहीं पर ये किला है। काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना है ये किला, लगभग 400 साल पुराना है। आप यहाँ पे आने के लिए मैं आपको रास्ता बता दूँ, अगर आप कहीं से भी आते हैं, आगरा की तरफ से आते हैं, इटावा की तरफ से आते हैं, तो आपको इटावा से फूप होते हुए चंबल नदी का पुल पार करके आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर आप भिंड से आते हैं तो भिंड से 30 किलोमीटर पड़ेगा, इटावा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे आने की। और अभी आगरा से डायरेक्ट कोई रूट नहीं है, तो आप आगरा से डायरेक्ट नहीं आ सकते। आगरा से आप वहाँ होकर उदी मोड़, उदी मोड़ से फूप, और फूप से फिर आप अटेर पहुँच सकते हैं। फूप से अटेर की दूरी करीब 30 किलोमीटर की है। तो आप इस तरह से इस किले पर पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं इस किले को, मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं किले के ऊपर आ चुका हूं। ये किला करीब 400 साल पुराना हो चुका है और पूरा आज पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। तो आप गाइस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 400 साल पहले ये किला कितना खूबसूरत रहा होगा। करीब 1664 ईस्वी पूर्व में ये इस किले का निर्माण राजा बदन सिंह द्वारा कराया गया था, जो भदौरिया राजवंश के राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र को गाइस भदावर के नाम से जाना जाता है। आज भी इस क्षेत्र को भदावर के नाम से ही जाना जाता है। उस समय के जो राजा थे, राजा बदन सिंह, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो आज देख सकते हैं किले की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी है। गाइस, किला काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में ही दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी शॉर्ट में दिखाने के बावजूद भी वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो देखें। अभी मैं आपको बताने और आगे बताने जा रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा अभी। तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। आप पूरा किला मैं आपको आज घुमाने वाला हूँ इसमें।
तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, किले पे आने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आधार कार्ड देख के एंट्री की जाती है, उसके बाद आपको एंट्री करने दी जाएगी। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो किसी एक का आधार कार्ड हो तो वो भी चल जाएगा, बाकी अगर आप अकेले आते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे अंदर लाने के लिए मना की जाती हैं, जैसे सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड और कुछ खाने पीने का सामान अंदर ले जाने के लिए मना किया जाता है। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें अगर आप कभी आना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप बाहर ही रख दें। और आधार कार्ड तो बहुत ही ज़रूरी है, वो आप अवश्य ले कर आएँ। तो गाइस हमने आपको पूरा किला का पूरा व्यू दिखा दिया है, अभी शॉर्ट में जो भी दिखाया है मैंने आपको जहाँ तक पॉसिबल हुआ पूरा दिखा दिया है, पर वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने शॉर्ट में ही दिखाया है। तो अभी हम लोग किला को पूरा घूम के बाहर की ओर निकल रहे हैं, अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से एंट्री की थी वहीं पर जा रहे हैं। सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो एंट्री का गेट है, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो फ्रेंड जाते जाते मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई कमी है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उन कमियों को पूरा करूँगा। और प्लीज़ आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।